नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आज सब बहुत ही अच्छे कुशल पूर्वक से होंगे। दोस्तों आज आपके साथ बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, तो जानते हैं इसकी तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को प्रातः 5:39 पर हो रही है, और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 4 दिसंबर रविवार को प्रातः 5:34 पर होगा। ऐसे में उदिया तिथि के आधार पर मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर को रखा जाएगा। अब जानते हैं इसके पारण का क्या समय रहेगा। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत के पारण का समय 4 दिसंबर को दोपहर 1:20 से दोपहर 3:27 तक है। व्रत इस प्रकार से रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्यास्त के पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान श्री दामोदर का पूजन किया जाता है। पूजा में घी के दिए का प्रयोग और दिए में थोड़ा सा खड़ा धनिया डाला जाता है। तुलसी की मंजरी दामोदर को अर्पित की जाती है। मिष्ठान और फलों का भोग लगाया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है और रात में जागरण करते हुए भगवान का संकीर्तन किया जाता है। इस दिन गीता के 11वें पाठ का अध्याय अवश्य करना चाहिए। चंदन की माला से श्री कृष्ण दामोदराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद गरीबों को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। पूजा पाठ दान दक्षिणा के बाद व्रत खोला जाता है और भोजन ग्रहण किया जाता है। सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक राज्य था, जिसमें एक वैखानस नाम का राजा राज करता था। वैखानस राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बहुत प्रिय था। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। यह देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर गया। सुबह उठकर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन किया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर उनका मन बहुत उदास हो चुका है। यदि एक पुत्र के नाते वह उनकी कष्ट से मुक्त नहीं करा सकते तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कृपया करके वह लोग उनका मार्गदर्शन करें किस प्रकार वह अपने पिता को इस नरक की यातना से मुक्ति दिला सकते हैं। तब राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वो तिकाल ज्ञानी हैं। उनको उनकी शरण में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। वो अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस उसी समय जंगल की ओर निकल पड़े।
वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने उनका उत्तर देते हुए कहा, उनके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी और सुरक्षित हैं। बस एक ही व्यथा है जिसके समाधान के लिए वह उनकी शरण में आया है। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने राजा के भूत भविष्य वर्तमान पर विचार किया। कुछ समय बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा, उसके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा ने ऋषि से पूछा कि इसका निवारण क्या है, वह किस प्रकार अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता है। तब पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है, यदि वह एकादशी का श्रद्धा और पूर्वक पालन करेगा और इसका सारा पुण्य फल अपने पिता को अर्पित करेंगे तो बेशक ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा अपने महल में आ गए और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया और उससे अर्पित पुण्य फल को उन्होंने ही अपने पिता को अर्पित किया। उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। यह एकादशी चिंता मणि के समान है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितर यदि नरक में भी हैं तो भी उनका उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा समाप्त। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है? पौराणिक कथाओं के अनुसार गीता जयंती के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और जीवन के अमूल्य रहस्यों से अवगत कराया था। इसलिए इस दिन जीवन में नकारात्मक रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भगवद गीता की पूजा की जाती है। वहीं शास्त्रों में यह भी बताया गया है, मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से और व्रत रखने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के क्या नियम हैं। एकादशी व्रत नियम के मुताबिक मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, जौ इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण तक इस नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार किसी व्रत के दौरान मन, कर्म और वचन की शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसे में व्रत के दौरान किसी को भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे कि उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे। मोक्षदा एकादशी व्रत में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन फूल, पत्ते आदि नहीं
तोड़ने चाहिए। ऐसी स्थिति में फूल और तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़ कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी निषेध माना गया है। एकादशी व्रत से एक दिन पहले से ही यानी दशमी तिथि से ही तामसिक भोजन से परहेज करें। इसके साथ ही इस दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचें, अन्यथा व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत की मान्यता के अनुसार मुख्यतः एकादशी व्रत के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से बचना चाहिए और इस दिन झाड़ू का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आ लेते हैं एकादशी में इसमें लगने वाली पूजन सामग्री के बारे में। इसके लिए आपको चाहिए श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान यानी मिठाई। तो ये थी मुझता एकादशी से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे पसंद करेंगे। तो अब आपसे विदा लेते हैं। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है इसको देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।